लगाई और चमकते थे अदरक की थीली को लेकर खासा उत्साह होता है। पूरा बाजार गहनों की चमक और सूर्यों की झलक से गुजर जाते हैं। हाथों पर निकली तो चांद रात पर ही सज जाते हैं, तो इस तरह से तैयार होते हैं एक क्षण के लिए कई चांद। नए कपड़ों में सच छत के साथ उत्साह जाकर इबादत करने का अलग ही उत्साह होता है। मस्जिदों में नमाज अदा करने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इसके पहले यानी दान देने का शुरुआत है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर एक साथ मिलकर ये त्योहार मनाता है। तरह तरह के लड्डू भगवान का मुख उठाया जाता है, जैसे खजूर दूध वाली शीर, सोमा, खली, पुलाव और मीठी सिवैया जो इस त्योहार की खास पहचान है। घर के सभी बड़े अपने से छोटों को ईदी देते हैं। ईद का त्योहार प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश देता है। सभी आपस में मिलकर त्योहार मनाते हैं। खुदा से अमन प्रेम और बरकत की दुआएं मांगते हैं। देश की खुशहाली की दुआ करते हुए आप सभी को न्यू वर्ल्ड न्यू को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। जी हाँ, चार नजर आए और ईद की तमाम खुशियाँ भी है। और अगर ये हम आपको बताते हैं, अपने मेहमानों को परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं डॉक्टर उस्ताद कामिर खुर्रम, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के चेयर, मनोज श्रीवास्तव, वनस्पति संस्कृति विभाग से और समाज सेवी राष्ट्रीय विभाग। आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। हम अपने दोस्तों को ये भी बता दें कि हमारे कार्यक्रम में के जरिए आप अपने अपने को ईद की मुबारकबाद भी पहुंचा सकते हैं, बधाई संदेश दे सकते हैं। अब इसके लिए हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो देर की बात ही फोन उठाइए और नंबर घुमाइए और दीजिए अपने अपने को ईद की बधाई। हमारे साथ मौजूद हमारे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को ईद की एक बार फिर से मुबारकबाद। आप ही जानना चाहेंगे ईद 30 महीने तक राखी जो 30 दिन तक रोजेदारों ने रोजा रखा अल्लाह की इबादत, और आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इतनी बारिश में भी ईद का जो कहीं कम नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? ये त्योहार दुनिया में मनाया जाता है। दरअसल इस त्योहार की खुशी का जो मुख्य कारण है, खास वजह है, वो एक महीने की प्रैक्टिस है रोजा रखने की। और ये ओबीडियंसी की बात है, फरमाबरदारी की। अल्लाह ने हुक्म दिया 30 दिन तक दिन में खाना पीना नहीं, तो जो लोग इस्लामी कानून को मानते हैं वो लोग 30 दिन तक रोजा रखते हैं, खाते पीते नहीं है। और ईद के दिन अल्लाह ने हुक्म दिया उस दिन रोजा नहीं रखना, उस दिन खूब खाना पीना है, खुशियां मनाना है। तो ईद के दिन रोजा रखना हराम, ईद के दिन रोजा नहीं रखा जा सकता। तो ये 30 दिन की जो प्रैक्टिस है, जो मेहनत है, उसकी खुशी का त्योहार है कि अल्लाह ने हमको ये तोफीक अता फरमाई तो 30 दिन हमसे रोजा रखना है। और रोजा रखने से तो फायदा होता है, हर धर्म में रोजा और उपवास की साथ की अहमियत है। आदमी को जिस्मानी राहत मिलती है, बीमारियों से छुटा मिलती है। जब 30 दिन का कोर्स पूरा हुआ तो आज सब खुशियां मनाएंगे। और हिंदुस्तान में जो ईद मनाई जाती है, ये दूसरे देशों की बनिस्बत कुछ अनोखे अंदाज में मनाई जाती है। दूसरे देशों में या तो मुसलमान मुसलमान ही रहते हैं या दूसरे कौमों के लोग भी रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ तमाम कौमों के लोग रहते हैं और सब मिलकर ईद की खुशियां मनाते हैं। और हिंदुस्तान के कानून में ईद का राष्ट्रीय त्योहार होता है,
तीस की छुट्टी होती है, सारे कर्मचारियों की छुट्टी, सारे लोगों को खुशी मनाने की आजादी। तो हिंदुस्तान की ईद का त्यौहार और हिंदुस्तान के अलावा अब्रॉड में जो ईद का त्यौहार है वहां की ज्योग्राफी में बड़ा फर्क है। बहरहाल मैं इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी की जानिब से उस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम हिंदुस्तान के अपने हिंदुस्तानी भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब तक हम जिंदा हैं उसी तरह हंसी हंसी खुशी ईद मनाते रहेंगे। मुझे तो वो बात याद आती है तो बहुत पहले जब हम लोगों ने फिल्म देखी थी तो उसमें एक शायद ये कही थी और वो ये थे कि ईद का चांद कितना रोशन है, ईद का चांद कितना रोशन है, ईद पे क्यों एक बार आए। मतलब जो बात की बात जरूर सुनिए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, वो मुबारकबाद देना चाहते हैं उड़ीसा से। जी बोलिए, आप अपना संदेश देना चाहते हैं ईद के मौके पर। हेलो, आपको आवाज आता भी है मेरी? नहीं बोलते, प्रोफेसर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना संदेश दे सकते हैं। हेलो जी, आप अपना ईद का संदेश दे सकते हैं, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? दोस्तों के रिश्तेदारों को ईद मुबारक पता लग पाता हूँ जी। और कोई संदेश देना चाहते हैं आप? भाई, हमारे रिश्तेदार और दोस्तों को ईद मुबारक पता लग पाता हूँ जी। भाईचारा कायम रखो सबके साथ और आराम से इस देश में रखो जी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, अपनी बात शुरू करें। आराम से कायम रखने के लिए बोल रहा हूँ जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, आप अपनी बात करें। हमें भी कह रहा था कि वो एक पंक्ति की शहर थी कि ईद का चांद कितना रोशन है, ईद पे क्यों ना एक बार आओ, हाथ उठाते दुआ में तुरता हूँ, ईद ऐसी बार बार आओ। तो इस रूप में हम लोग ईद को देखते हैं, खासकर क्योंकि मैं पुराने भोपाल का रहने वाला था और ओबीडिया स्कूल में पढ़ा, तो ईद बहर के नीचे हम लोगों का घर था, इसलिए बहुत करीब से इन लोगों को देखा है और इस त्यौहार को भी देखा है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि इसके लिए त्यौहार जो है, जैसा आपने कहा कि परमा दरगाही का है, दूसरा फितरा का त्यौहार भी है, तो इसीलिए इसको ईद उल फितर कहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस वक्त पर जो है जितना दान जो है दिया जाता है, वकात जो है उसकी दी जाती है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इसका जो को देखने के लिए। जैसे मैं अपने समय में देखता था पहले कि अभी भी होता है कि इस त्यौहार का इस्तेमाल जो है मुसलमान भाई जो है वो क्रिश्चियन रिलेशन को जो है हील करने में करते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, पिछले साल में एक दूसरे से कोई गलती हुई है तो उसके पास जाते जो है तो क्षमा याचना भी करते थे। तो उस रूप में भी इस त्यौहार का जो है बड़ा मजा था। और दूसरा ये था कि जो एक कहते कि जो फैमिली वैल्यूज हैं उसको प्रमोट करना जो है उसमें मैंने पाया कि बहुत होता है, लोग अपने अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। इस बहुत व्यस्त समय में जबकि फैमिली से जो है हमारे बॉन्ड्स जो है बहुत धीरे 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 डिफिन हो रहे हैं, तो ईद के मौके पर जो है फिर से मजबूत हो सकते हैं। तो वो और फिर भगवान का ध्यान करने का तो ये मौका है पूरे तरीके में, यही सब चलता है। और ये भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि रमादान जो रमजान का जो महीना है वो महीना एक ऐसे पवित्र महीना है जिसमें पवित्र कुरान नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई, तौरात नाजिल हुई, पवित्र पुस्तकें जो हैं उनकी महीने में आ रही है।
व्यक्ति को ज्ञान का पर्व भी है और ज्ञान हाँ ज्ञान दान समय अच्छा और सोशल रिलेशनशिप के साथ फैमिली रही इन सबको मिला के प्रदेश के हाथ पर देखो ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि ईद की जो खुशी होती जो रौनक होती है सबके चेहरे पर लिखी स्वास्थ्य या खाना खुदी आप क्या कहना चाहिए उसको न पता अपने बचपन में पहुंचा दिया और उनसे बाजार में आए हमारे पिता
होती है हमारे नाराजा नाराजगी में, तो उनके साथ इतना लगता है दिया है, कुछ बनने दी है, कुछ काम में दी है।
इस्लाम के फैसला पैगंबर अब्बास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस जुल्म और जहालत के दौर में जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, बेटियों को बचाने के लिए एक जिहाद शुरू किया, आंदोलन खड़ा किया और बेटियों को मान सम्मान दिलाया। जब विधवाओं को अछूत माना जाता था उस वक्त उनको सम्मान दिया और ये बिल्कुल सच है। मेरी माँ मुझसे अक्सर कहा करती थी, उसी तरह उन्हें कहा करती थी भी महात्मा।
हमारी बहन बेटी है बाजार में खरीदारी करने की, चाहे महीना भर के लिए सामान खरीद कर रखू, कुछ दिन कुछ न कुछ बटन फूल धागा कुछ न कुछ छोटी सी छोटी चीज भी लेकर है तो वो मेरी गरीब बहन भी और पहल पहल होती है आप सुबह देखते हैं मस्जिदों में ईदगाहों में सड़कों में वो रौनक हमारी बहन बेटियां रात में ही उस पर आनंद और लुत्फ हासिल कर लेती है इसलिए कामयाब होती है। बारिश हो रही थी तो वहाँ के आज इतनी व्यवस्था थी लेकिन बारिश हो रही थी लेकिन ईद का जो एक उत्साह है जो जामा मस्जिद पर नजारा हमने वहाँ पे देखती बन रहा था या फिर ये कहा जाए कि नुकसान में अगर आज बात की जाए तो ईद की जो उल्लास था जो मेरे के अंदर एक उत्सव था वो वहाँ पे देखती बन रहा था मैंने तो आज मौसम को भी मान दी थी। भारत की संस्कृति भारत में की शांति से जो है ईद मनाई जाती है तो मिल जुलकर एक सामाजिक सौहार्द और समन्वय और समरसता के साथ ईद मनाई जाती है। जबकि मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं बांग्लादेश में अभी कुछ सालों पहले की घटना थी कि ईद के मौके पर ही जो है वहाँ पर आतंकवादी बम ब्लास्ट हुए थे। तो ये जो भारत की बदलने जमन तहजीब है ये कायम रहे ये आपके दिन जिस तरह से ईद मनाई जा रही है ये विश्वास साफ भी होगा कि बाकी तमाम कोशिशों से जो लोग कर रहे हैं इस देश की इस जंगल जमन तहजीब में खलल डालने की ये जो भावना जो है वो बरकरार रहेगी और आगे बढ़ती भी हमारे देश में सभी लोग बना के रखें और ईद की खुशियाँ एक दूसरे को बांटें
ये नहीं कि केवल हिंदू और मुसलमान है, मुसलमानों का त्यौहार है तो हिंदू भी।